संप्रति विश्वर परिवेश तापवृद्धि जलवायु पानीपागर परिवर्तन देखा देथिबा बेले सुदूर दिल्ली गुजरात गुरुगांव शिक्षाविद इंजीनियर सामाजिक कर्मी 17 जणिया दल भुवनेश्वर ठारु साइकिल यात्रा करि कोरापुट पर्यंत गंतव्यरे रखिछन्ति। प्रभातरी काशीनगर ठारे एक सचेतन दल पहुंचिथिले। काशीनगर ठारे सांबादिकक सह आलोचना बेले सेमानक सचेतनर उद्देश्य बुझाइबा सह साइकिल यात्रा कले बिना तेल धुआ बिना खर्चरी बहु जगह और ग्रामांचल मध्य जाई हेबो और साइकिल चालना द्वारा शारीरिक व्यायाम हेउछि और अंग प्रत्यंग सचेतन रही तेणु साइकिल रे सचेतन यात्रा करी जनता को एही बाता देइथिबा जगु तांकु काशीनगर ठारी समर्थित ओ उक्त कार्य पई घुरी घुरी प्रशंसित करा जाय छी। स्कूल से प्रिंसिपल से मैंने रिटायरमेंट लिया कुछ समय पहले और मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ ऑर्गेनाइजर्स को कि जैसा कि अभी आपको योगी सर ने बताया कि ये बुल्डी कलिंगा एशिया का सबसे लंबा साइकिलिंग एक्सपीडिशन है और उसमें मुझे आने का ये मौका मिला और लगभग हम लोग 450 किलोमीटर साइकिल चला चुके हैं। तो ये जो इन्वायरमेंट और वो तो इशू है ही है, साथ में हम लोग जब 40 साल से ऊपर हो जाते हैं तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो ऐसे उम्र वाले लोगों के लिए हमारे साथ सर अभी आपसे बात करेंगे। आप 69 ईयर्स ओल्ड हैं, दिल्ली के प्रोफेसर रिटायर्ड हैं, तो ये साइकिलिंग एक बहुत ही आसान और सस्ता जरिया है अपने आप को फिट रखने का। और साथ में हम लोग ये भी आप बताना चाह रहे हैं कि उड़ीसा कितना सुंदर स्टेट है हमारे लिए और जो यहाँ के लोग हैं उनको समझें, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छी सड़कें और 4-5 दिन बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि स्वर्ग में हम लोग आ गए। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के दयाल सिंह कॉलेज से रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मेरी उम्र जो है वो 69 ईयर्स की है। जब मैं 69 ईयर की उम्र में साइकिल चला सकता हूँ तो मेरी सब लोगों से ये गुजारिश है कि आप सब लोग मुझसे छोटे हैं जो मीडिया के सामने खड़े हुए हैं, जो मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं, आप सब लोग भी साइकिलिंग पे आइए। अगर हम साइकिल चलाएंगे स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा तो दवाई के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, दवाई के पैसे नहीं देने पड़ेंगे तो पैसे बचेंगे, पैसे बचेंगे तो दो ही तरीके हैं, या तो उसको बच्चों के ऊपर खर्च कर दीजिए या कहीं अगर आपका बाहर जाने का मन है। आपको हमारा उड़ीसा का एनवायरनमेंट कैसा लगा? बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सस्ती जगह है। हम तो थक गए, इतने कम पैसे दे देंगे लगता है कि पैसे खर्च कब होंगे, या तो पैसे ही नहीं खर्च होते हमारे। हम लोगों ने अभी सब लोगों ने नाश्ता किया, करीब 15-20 लोग हैं, टोटल बिल आया 600 रुपये। क्या खाया क्या नहीं खाया सब रच के खाया, मतलब जिसको कहते हैं पेट भर के खा लिया, फिर भी हमारा बिल कितना आया। हर एक लोग यहाँ आइए, बहुत खूबसूरत जगह। आपको आपको 69 CH हो गया ना, तो आपने साइकिलिंग करने के वक्त आपका जो कमर दर्द ऐसा कुछ फीलिंग हो रहा है क्या? ये सब यहाँ होता है और कहीं नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता। आप साइकिल चला के देखिए, आपको मजा आएगा। साइकिल से तो अच्छी अच्छी बीमारियाँ खत्म, जो खराब से खराब बीमारियाँ वो भी अच्छी हो जाती है। मैं एक साइकिलिस्ट को जाता हूँ जिसकी 3 आर्टरी बर्स्ट थी, 3, और उसने साइकिल चला चला के तीनों खोल डाली। वो कोल्हापुर का बच्चा था, हमारे साथ साइकिलिंग कर रहा था, लेट टू कुल्लू टू खारदुला जब हम कर रहे थे, उस लड़के ने हमारे साथ किया था, 3 आर्टरीज उसकी खुल गई थी। साइकिल तो सबसे ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। तो आपका जो ट्रैवल भुवनेश्वर से करप्ट जाएंगे अभी? हाँ जी, आज हमारा जो है मेरे ख्याल से अभी 70 किलोमीटर और रह गया है, रायगढ़। हाँ, रायगढ़ जाएंगे आज, वहाँ रहेंगे और बहुत ही खूबसूरत जगह है। अप एंड डाउन, मतलब हिल हिल भी है, नीचे भी आएगा, घाट भी आएगा, नीचे भी आएगा, बड़ा मजा आ रहा है और खुली जगह है, कहीं ऐसा कोई प्रदूषण नहीं। लोग बाग गाड़ियों से तो फैला रहे, बाकी तो यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह नहीं है, थोड़ा सा खेतों में से जो थोड़ा सा फसल सूख गया तो उसका थोड़ा सा आ रहा है, अदरवाइज यहाँ तो पॉल्यूशन नहीं है। लेकिन हाँ, जो गाड़ियाँ आ रही है, जो ट्रक आ रहे हैं, उन सब लोगों को भी यहाँ पे नहीं आना चाहिए, जिससे कि यहाँ का प्रदूषण बहुत अच्छा रहे। मुहले सुधीर कुमार दास, एसआर चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट ग्रुप्स ऑफ ओडिशा फाउंडेशन ऑफ द चेयरमैन आउट ऑफ गुड डिकोडिंग। जमीक आपखिपारे आम एक्सट्रीम राइट्रे अच्छा योगेन्द्र सिंह, योगेन्द्र सिंह हो जे इंटरनेशनल साइक्लिस्ट जिकि बहुत गुड़े एंडुरांस साइक्लिंग कंपिटिशन में आम देश को गौरव आने सेकेंड फाइंड ए 69 योर पर्सन एक्स प्रोफेसर ऑफ डी डी जे प्रोफेसर प्रोफेसर अरुण कुमार आम सागर अच्छा भरत ठाकुर साहब, भरत ठाकुर जानते रिटायर्ड प्रिंसिपल एंड नॉट जस्ट रिटायर्ड प्रिंसिपल, सी होती आम जो उन्मुख चांद कैप्टन अंडर 19 कैप्टन फादर
ଥାଇ ତ ଆମର ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଜଣେ କିଏ ଗୁଡ଼ଗାଓଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଏ ଗାନ୍ଧୀନଗରରୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀନଗର ଗୁଜରାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସୋ ୱେ ଆର୍ ଏ ଟିମ୍ ଅଫ୍ 15 ଆମେ ଏଠି ଟୁଡ଼ି କଳିଙ୍ଗ 2015 ବିଗତ 2015 ମସିହାରେ କରୁଛୁ ତାହାର କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର୍ ଟୁରିଜିମ୍ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଟୁରିଜିମ୍ର ଯେଉଁ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଅଛି ତା ସହିତ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଭେହିକୁଲାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ସ ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ଜନସଚେତନତା କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଏହି 1300 କିଲୋମିଟର 13 ଦିନର ଏଇ ଯେଉଁ ରାଲିରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କି ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ସିଟିଜେନ୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ସତର୍କ କରାଉ ଯେମିତିକି ଆମେ କାଲି ରାତିରେ ରହିଥିଲୁ ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରି ଆମେ ଯାଉଛେ GIT ଗୁଣୁପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ରହିଛି ଲଞ୍ଚର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତା ସହିତ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବି ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ସାହେବ ଅଛନ୍ତି ଭରତ ଠାକୁର ସାହେବ ଅଛନ୍ତି ରାଜେଶ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24